स्टूडेंट्स ओपन योर वर्क बुक्स टुडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। पहली वैल्यू है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज़ इन द नंबर डैश। नंबर गिवन है, आपने इस 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको सर्कल करना है। फिर 200 नंबर बताना है आपने कौन से नंबर में आएगा। ये 20 में आ जाएगा, ये 200 में आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है, इसे सर्कल करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है आपने, जो आपके पास नंबर गिवन है 1604। ये देखिए 1000 में है लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो ये गलत, इससे 6000 में ये तो गलत। इसमें देखिए सी पार्ट में 1000 है, 600 है, 0 और 4 है, करेक्ट ऑप्शन है, इसे आपने सर्कल करना है। फोर पार्ट में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है, आपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म सी पार्ट है 5370, इसको आपने सर्कल करना है। फिर आपने प्लेस वैल्यू बतानी है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। ए पार्ट है, ए पार्ट में देखें 87642। अब देखें 2 से स्टार्ट करें, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा। 4 के बाद 1 नंबर है 10, 6 के बाद 2 नंबर्स थे 20, 7 के बाद 3 थे तो 30, 8 के बाद 40 थे तो यहाँ पे 40 आएंगे, ठीक है। जो आपके पास जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, आपने देखना है कि उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, और जितने डिजिट्स होंगे उतने आपने 0 पुट करने हैं, ठीक है। ये भी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 3 देखे, राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दी फॉलोइंग नंबर। आपने प्लेस वैल्यू बतानी है हर डिजिट की, जिस तरह ये सॉल्व किया है वैसे ही है ये भी। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो 7 के बाद 30 आ जाएंगे। फिर है 8 के बाद हैं 2 नंबर्स, 20 आ जाएंगे। 6 के बाद 1 डिजिट है, 10 आ जाएगा। 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये 1 प्लेस होगी, मतलब 1s में ये वैल्यू, ठीक है। अगला पार्ट भी आपने इसी तरह बताना है, जितने सी पार्ट भी जितने आपके पास नंबर्स होंगे आगे रिस्पेक्टिव नंबर के आगे उतने आपने 0 पुट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म्स आपको गिवन है, आपने इसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखनी है 3120, ये इस तरह। इसके बाद सब पार्ट्स आपने जिस तरह एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर्स हैविंग अ प्लेस वैल्यू। अब आपके पास प्लेस वैल्यू गिवन है, आपने एक उसके स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी है। 3000 में थी, 3 के बाद 1, 2, 3, 4, फिर 4, 1, 2, 3, ठीक है, 6, 2, 1, इस तरह 9, 5, 2, 5, 6, इसी तरह ये 8, 5, 3, 5, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास पेज नंबर 14 है, एग्जांपल्स गिवन है। एग्जांपल्स आप एक्टिविटी और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स 1 में है, रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास नंबर गिवन है, आपने नंबर्स को पढ़ना है और इन्हें हमने वर्ड काउंटिंग में लिखना है, ठीक है। पहला नंबर है 34893, बी में है 52612, ठीक है। इसको आपने न्यूमरल्स में गिवन है, आपने वर्ड में लिखना है। एग्जांपल 2 में इसी तरह आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्वेश्चन गिवन है, आपको वर्ड फॉर्म में गिवन है, आपने नंबर फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखना है। यहाँ तक थी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी। दिस इज योर वीक 3rd टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन दिस वीक, ओके। यहाँ तक आपने अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट वीक जब हम स्टार्ट करें तो हमारा पिछले वाला जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो, ओके स्टूडेंट्स।